मुगल वंश के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने रंगून में निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए जब लिखा था, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिला कुवेयार में, उस वक्त उनके जहन में कुवेयार प्रियतमा की गली यानी दिल्ली थी। दिल्ली के साथ साथ उनके ख्याल में मुगलिया सल्तनत में चलने वाले राजनीतिक षड्यंत्रों, प्रेम के किस्सों और सहनसाओं के अंत का गवाह रहा लाल किला भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, दिल्ली में राज करने वाले इस परिवार के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। मुगल बादशाह के परिवार को एक वक्त बिहार के अलग अलग शहरों में घूमना पड़ा था और वहां के राजाओं और प्रशासन से मदद लेनी पड़ी थी। तो जानते हैं इस परिवार के संघर्ष और उसके बिहार से जुड़े कनेक्शन के बारे में। आपको बता दें कि बहादुर शाह जफर के सबसे बड़े बेटे का नाम था मिर्जा मोहम्मद दारा बख्त और उनके बेटे थे रईस भट्ट, जुबैरुद्दीन गुरगान। गुरगान बहादुर शाह जफर के पोते थे। गुरगान के जीवन पर MLMS कॉलेज के प्रचार और इतिहासकार मुश्ताक अहमद ने आतिशे पिन्हा नाम की एक किताब लिखी थी। वे बताते हैं कि अगर 1857 के विद्रोह में मुगल सल्तनत का तख्ता नहीं पलटता तो गुरगान दिल्ली की गद्दी पर गद्दीनशी होते, लेकिन अंग्रेजों की वजह से बहादुर शाह जफर के परिवार को काफी अपमान सहन करना पड़ा। गुरगान ने अपने संस्मरणों पर लिखी किताब मौजी सुल्तानी में बताया है कि पटना शहर के लोग सभ्य और शिष्टाचार वाले हैं। यहाँ इस्लामपुर के जागीरदार चौधरी मोहम्मद जहर लहक से उन्हें विशेष प्रेम मिला। जी हाँ, आपको बता दें कि 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां के आदेश पर बेतिया राज अस्तित्व में आया था और ऐसा ही कुछ दरभंगा के साथ हुआ। जुबैरुद्दीन कुछ वक्त के लिए भागलपुर भी गए, जहां उनकी मुलाकात दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के भाई कुंवर रामेश्वर सिंह से हुई। वहीं पर उन्होंने रामेश्वर सिंह को अपनी हालत के बारे में बताया, जिसके बाद 17 मार्च 1881 को जुबैरुद्दीन दरभंगा आए। यहां कुछ दिनों तक उनके रहने का इंतजाम दरभंगा के एक नामी रईस मोहम्मद सादिक अली के यहाँ किया गया। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह की विनम्रता और आतिथ्य से प्रभावित होकर जुबैरुद्दीन ने दरभंगा को खुद के लिए सुरक्षित महसूस किया। इसके बाद जुबैरुद्दीन अपने परिवार को लेकर दरभंगा आ गए। दरभंगा राज ने अपने महल के पास ही कटहलबाड़ी मोहल्ले में जुबैरुद्दीन और उनके परिवार के लिए एक घर बनवाया और मस्जिद बनवाई। अपनी किताब में उन्होंने बताया कि उन्होंने बिहार, कलकत्ता, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मुंबई की यात्राएँ की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPM.